Hello everyone, welcome to our channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग GK and important facts की क्लास करने वाले हैं. ये क्लास नंबर आपका 44 है. ऑलरेडी हमने 43 क्लासेस कर लिया है. सो प्लीज़ अगर आपने अभी तक नहीं देखा है एक बार जाके गो थ्रू कर लो. और अगर आप हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे. एंड सेकंडली अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सकें. आज जो हम डिस्कस करेंगे वो 457th क्वेश्चन से करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में 456 क्वेश्चंस कर लिए हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो बहुत इन्फॉर्मेटिव थे. मैंने मिशन चंद्रयान के भी क्वेश्चंस जो किए थे वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है. सो अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाके गो थ्रू कर लो. और जो भी हम आज लेक्चर करेंगे वो 457 से लेकर 466 तक क्वेश्चंस करने वाला है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड प्लीज़ गो थ्रू वंस अगेन. स्टार्ट करते हैं 457th क्वेश्चन. दैट इज हाल ही में कहाँ पर नौसेना कमान में DSRV कॉम्प्लेक्स अनावरण किया गया था. तो कहाँ पे हाल ही में कहाँ किया गया था. दैट इज विशाखापट्टनम. विशाखापट्टनम में नौसेना कमान DSRV कॉम्प्लेक्स अनावरण किया गया था. मूविंग ऑन विद नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज क्वेश्चन नंबर 458. पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन नियुक्त किए गए. तो पूर्वी नौसेना कमान के कौन चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किए गए. नाम है उनका वाइस एडमिरल विश्वजीत राम गुप्ता. तो ठीक है, विश्वजीत राम दास गुप्ता जो है वो उनको नियुक्त किया गया है वाइस एडमिरल. नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज क्वेश्चन नंबर 459. केंद्र के स्वास्थ्य संबंधी सामग्री की आपूर्ति के लिए कौन सा सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया गया. दैट इज आरोग्य पथ. नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज क्वेश्चन नंबर 460. कहाँ की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम शुरू किया है. दैट इज हैदराबाद. हैदराबाद की जो पुलिस है उन्होंने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम शुरू किया है. मूविंग ऑन विद नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज क्वेश्चन नंबर 461. हाल ही में किस मशहूर फिल्म स्टार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. दैट इज सुशांत सिंह राजपूत. ओके, सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे मशहूर फिल्म स्टार है जिन्होंने अभी हाल ही में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज सो 462 क्वेश्चन. हाल ही में किस केंद्र मंत्री ने सहकर मित्र नामक इंटर्नशिप कार्यक्रम योजना शुरू की है. दैट इज नरेंद्र सिंह तोमर. नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र मंत्री जो हैं वो उन्होंने सहकर मित्र नामक इंटर्नशिप कार्यक्रम योजना शुरू की है. मूविंग ऑन विद नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज क्वेश्चन नंबर 463. पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन कौन बना. तो पूरी तरह से जो डिजिटल हो चुका है दैट इज निर्माण क्षेत्र वो NHAI बना. नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज क्वेश्चन नंबर 464. विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है. विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है. दैट इज ऑन 14th जून. 465. आंध्र प्रदेश सरकार ने दर्जी नाई धोबी के लिए कौन सी योजना शुरू की है. दैट इज जन ज्ञान चेदौर योजना. ओके, जगन्नाथ चेदौर योजना जो है उन्होंने दर्जी के लिए नाई के लिए और धोबी के लिए योजना शुरू की है आंध्र प्रदेश ने. नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज क्वेश्चन नंबर 466. हाल ही में जारी नेबर इंडेक्स में शीर्ष पर कौन है. तो कौन है. दैट इज चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस. दैट इज चाइना. चाइना में, चीन में है. ओके, चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस. सो क्लास आज हमने 466 क्वेश्चन कर लिया है. सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप एक बार जाके गो थ्रू कर सकते हैं. एंड थैंक यू. होप यू एंजॉय दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड गिव योर सजेशन ऑन अ कमेंट बॉक्स. प्लीज़ लाइक अवर वीडियोज एंड सब्सक्राइब अवर वीडियोज सो दैट मैनी एंड मैक्सिमम पीपल कैन गेट द इन्फॉर्मेशन एज वेल. एंड डू शेयर अवर वीडियोज. थैंक यू.